इसी तरह तमाम ही शहरियान को मैं अपील कर रहा हूँ, जो व्यापारी तबका है, जो सड़कों पे गाड़ियां लगाते हैं, दुकान धंधा छोटा मोटा व्यापार करते हैं, इनसे मेरी एक मुद्देबाना गुजारिश है कि जब भी कॉरपोरेशन के पावती वसूल करने वाले या जगह की जो पावती वसूल करते हैं वो लोग आए तो बिना पावती के उनको एक रुपया देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक वो पावती नहीं देते हैं उनको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे पहले पावती की डिमांड कीजिए, उसके बाद पैसा। देखिए, गुज़िश्ता कल हम लोग कॉरपोरेशन में गए थे SDPI की जानिब से एक वक्त की शक्ल में। वहाँ पर MTS ऑफिस में हमारी मुलाकात सचिन खैरना नाम के अधिकारी से हुई। उनके पास हमारा जाने का मकसद ये था कि गुज़िश्ता कई दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी बाजार वसूली के ताल्लुक से, जो फी वसूली की जाती है पावती के जरिए। कुछ एरियो में ऐसा था कि जहाँ पे पावती नहीं दी जाती या रसीद नहीं दी जाती और सिर्फ पैसों की डिमांड की जाती है। रोजाना ना पैसे लेते हुए उन्होंने हफ्ता फिक्स किया है। वो हफ्ते का समझ लो 70 रुपया अगर होता है तो वो बोलते हैं 40 दे दे, 50 दे दे। ऐसे कई एरियो में हमको शिकायत मिल रही थी। इसी को देखते हुए हमने कुछ दिनों से उसके ऊपर नजर लगा के बैठे हुए थे। गुज़िश्ता कल हमको एक कुछ रिसिप्ट, कुछ पावती मिली जिनके ऊपर कॉरपोरेशन, जिसके ऊपर कॉरपोरेशन के स्टैम्प या जिसे हम सिक्का कहते हैं वो नहीं था। तो हमें शुबा हुआ कि कहीं ये पावती जाली तो नहीं है। तो हम कुछ पार्टी के जिम्मेदारान को लेकर वहाँ पहुंचे और जो संबंधित अधिकारी थे उनसे हमने वो पावती बताकर उसकी डिटेल ली कि भाई ऐसा क्यों है, यहाँ पे इसका स्टैम्प नहीं लगा है और ये पावती जो है आपके लोगों को अलॉट की गई है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में शायद इसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगा होगा, एक कार्बन कॉपी होती है उसके अंदर एक डुप्लीकेट कॉपी होती है। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है डुप्लीकेट वाली है। हमने कहा नहीं, ये ओरिजिनल वाली ऊपर वाली है। अ और ब, ये दो होती है। अ जो है वो दी जाती है और ब जो है वो कार्बन कॉपी वहां पे रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। तो उन मतलब बातें तो काफी डिटेल में हुई उनसे। हमने पूरी जो क्या बोलते हैं उसको डायरी थी, जो पूरी बुक थी, हमने पूरी चेक की और उनके सीरियल नंबर भी हमने चेक किए। तो हमको कई जगह शुबा उसके अंदर हुआ, मगर चूंकि वहां पे जो कलेक्शन करने वाले लोग थे वो नहीं थे। तो खैरनार साहब ने फोन करके उनको बुलाया, हमने चेक किया। तो आप देखिए वो उनका प्लानिंग रहती है या उनकी कुछ सेटिंग रहती है, आप लोग भी समझ सकते हैं। उन्होंने वहां पे हम लोगों को मतलब ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि नहीं, हमारी वसूली सही हुई, मगर हमारे पास जो प्रूफ था बिना स्टैम्प वाला इस पर हम अड़े रहे। तो हमने ये कहा कि भाई जो आपके लोग कलेक्शन करते हैं कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं, जो ऑथोराइज्ड हैं, ये किस लेवल पे करते हैं, किस बिना पे करते हैं, इनके पास कोई आधार कार्ड आईडी वगैरह कुछ ऐसा ओढ़क पत्र होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के सबके आईडी है। तो हमने कहा उनके नाम और नंबर दीजिए। उन्होंने 11 लोगों के नाम और नंबर दिए। हमने उनसे सवाल किया कि भाई इन 11 लोगों के अलावा 12वां आदमी कोई करता है क्या? बोले नहीं। हमने कहा अच्छा देख लीजिए, सोच लीजिए, अगर कोई 12वां आदमी हमको मिलता है वसूली करते हुए या जाली पावती के साथ में, तो SDPI के लोग या SDPI के जिम्मेदारान उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर उसके साथ में, उसके संबंध में कोई अधिकारी आता है, कोई सियासी लीडर आता है, वो भी इंशाल्लाह उसकी जद में आएगा। हम लोग किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त उनके खिलाफ इंशाल्लाह की जाएगी। सबसे पहले तो हमने उनको एकदम कड़े लफ्जों में कहा है कि भाई हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कब? जब हमको कोई जाली रिसिप्ट के साथ में जाली शख्स कोई मिलता है बिना आईडी वाला, तो जो भी योग्य कार्रवाई होगी उसकी जद में जो आता है, फौजदारी गुना दाखिल होता है, 420 का गुना दाखिल हो या और कोई होता है, तो इंशाल्लाह हम वो डट कर करवाएंगे और अवामी सतह पे हम इनको इस मुद्दे को अवाम के बीच में लेके जाएंगे।
आवाम को भी जागरूक करें कि भाई अगर कोई ऐसा जाली शख्स आता है तो एसडीपीआई के लोगों से वो रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उसके अंदर नुमाइंदगी करेंगे। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस मामले में कोई कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी अगर इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लोगे, आप लोगे या नहीं लोगे? बिल्कुल 1000% कॉरपोरेशन का कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, हम जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करते आएगी हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज कोई समझौता इसके अंदर नहीं होगा।